हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का ये स्पेशल लेक्चर रहेगा एग्जाम से रिलेटेड। आपको पता है कि आपके सैट की डेट शीट आ चुकी है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसी डेट शीट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा आपका मैथ्स का। तो एग्जाम का पैटर्न बेटा, टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑप्शनल्स वाले क्वेश्चन आपके पास 5 आएंगे और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो टोटल 5 नंबर के ये क्वेश्चंस बनेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब बेटा इसमें वन वर्ड भी हो सकते हैं, इसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास 5 आएंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और टोटल 5 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आएंगे ऐसे और हर एक क्वेश्चन के 2 ही नंबर होंगे, तो टोटल 4 नंबर यहाँ पे बनेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएंगे, अब ये 3-3 नंबर वाले होंगे, तो ये बनेंगे आपके पास 6 नंबर के। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा और क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा, 14, 14 क्वेश्चन आपके सेट के एग्जाम में आएंगे। ये तो था बेटा एग्जाम का पैटर्न, भाई कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम सिलेबस को। क्लास 9th में बेटा जो आपका मैथ्स का एग्जाम होना है, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये 4 चैप्टर आएंगे बेटा। जुलाई तक का सिलेबस आपको करना होगा, ठीक है। चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल बहुपद, चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण, और चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स त्रिभुज का। क्लास 10th के लिए अगेन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस का। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 14, ये सारे चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, चैप्टर 5 एपी समांतर श्रेणियां, और चैप्टर 14 हमारा रहेगा स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का। क्लास 11th में चैप्टर 1, 2, 4, 6, 3, ये आपका मंथली डिस्ट्रीब्यूशन से उठाया है बेटा, जुलाई तक का लेना है ना हमने। तो चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, और चैप्टर 3 बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर आएंगे आपके सेट के सिलेबस में। क्लास 12th की बात करें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये पहले 5 चैप्टर आएंगे। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये 5 चैप्टर्स आपको रेडी करने होंगे आपके सेट के एग्जाम के लिए। तो ठीक है बेटा, सेट के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें बेटा आपको सारा सिलेबस करा रखा है विद बेसिक एंड एग्जाम्पल्स। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स हैं, जिससे आपको आपकी नोटबुक कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।